नमस्कार दोस्तों, आइए आज एक विशेष विषय में अपन बात करते हैं। पूजा पाठ से संबंधित है। शिव अभिषेक सुना होगा, दुर्गा अभिषेक सुना होगा, नारायण अभिषेक सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों ने शायद अर्चन शब्द नहीं सुना हो, और यदि सुना भी होगा तो आज आपको इस बात से फिर अवगत कराते हैं कि शिव जी का अर्चन कुछ विशेष चीजों से करने से बहुत कुछ लाभ फल की प्राप्ति होती है, जो कि वस्तुओं के प्रकार से अलग अलग फल मिलता है। इसी में से एक है कमल पुष्प। शिवजी का शिवलिंग पर कमल के पुष्पों से अर्चन करने से महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, धन लाभ होता है, बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। लेकिन उस अर्चन की विधि किस प्रकार से किया जाता है, यह जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आइए आपको शिव अर्चन की उस विधि का लाभकारी प्रयोग बताते हैं। 1000 कमल पुष्पों से शिव जी का शिव सहस्त्र नामावली एक आपको पुस्तक है जो आपको प्राप्त करना है। 1000 कमल के पुष्प प्राप्त करना है और किसी शिवालय में शिव जी के ऊपर शिवलिंग पर आपको उन सहस्त्र नामों का उच्चारण करते हुए एक एक पुष्प चढ़ाना है। उससे पहले आप शिव जी का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कीजिएगा, दुग्ध मिश्रित जल चढ़ाएं। इसके बाद शिव सहस्त्र नाम से और 1000 कमल पुष्पों से आप उनका अर्चन करें। अर्चन का मतलब आप उनको नाम से चढ़ाते जाएं शिव जी पर। तो दोस्तों, इसी प्रकार अन्य वस्तुओं से जो शिव जी को प्रिय हैं उससे आप अर्चन करेंगे तो आपको उनके हिसाब से फल प्राप्ति होगी। जैसे रुद्र स्वरूप शिव जी का स्वरूप मानकर आप उड़द से बने हुए किसी भी वस्तु मिठाई का अर्चन करेंगे आप, तो आपके शत्रुओं का दमन होगा, चाहे वह आपके आंतरिक शत्रु हो या बाह्य शत्रु हो। शत्रुओं का दमन शब्द बोला मैंने, नाश नहीं, किसी को नाश नहीं करना है। शत्रुता खत्म हो जाए, शत्रु नहीं खत्म हो, यह है विशेष। तो उड़द की बनी हुई वस्तु से, चाहे वह मिठाई हो या नमकीन कुछ हो, वह उससे अर्चन करेंगे आप शिवलिंग पर तो आपके शत्रुओं का दमन होगा। आपके आंतरिक जो शत्रु हैं, जो अपने को बुरे विचार आते हैं या कुछ जो भी है जिससे नुकसान है अपने जीवन में, वह सब उनका नाश होता है उड़द से बनी हुई वस्तु का अर्चन करने से। तो दोस्तों, यह आज आपको एक अर्चन की बात बताई। इससे जो भी लाभ आपको प्राप्त करना है, आप उसके हिसाब से वस्तुओं का नाम हमसे फोन करके पूछेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी बजाकर सबसे पहले आपके पास यह वीडियो पहुंचे, इसके लिए आप यह कार्य करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता महाकाली। जय गुरु महाराज।